अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी, बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह क्या उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन का नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा? क्या कन्नौज रेप केस में घिरे नवाब सिंह यादव के होटल को डीएनए जांच रिपोर्ट के बाद बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इन दोनों ही मुद्दों को खूब उछाल रहे हैं और 3 बार समाजवादी पार्टी के नवाब मॉडल का जिक्र कर चुके हैं। कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोहित खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। मोहित खान अयोध्या के भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और नवाब सिंह यादव डिंपल यादव का पूर्व सांसद प्रतिनिधि। 6 अगस्त को मोहित खान का डीएनए टेस्ट जबकि नवाब सिंह यादव का 17 अगस्त को। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक आ सकती है। पुलिस सूत्रों की माने तो डीएनए रिपोर्ट में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है, तो ऐसे में वो समय सीमा इस महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी और उसके बाद डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्ष के बड़े नेता मोहित खान का डीएनए और नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहे थे। मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट आने से पहले प्रशासन ने उसकी बेकरी और फिर 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 1.5 घंटे में ध्वस्त कर दिया। अवैध तरीके से बनाई गई मोहित की संपत्ति पर बुलडोजर चला तो अब कयास लगाए जा रहे हैं क्या उसकी और भी प्रॉपर्टी पर इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक सियासी रसूख का फायदा उठाते हुए मोहित ने अपने कारोबार को खूब फैलाया था। बहुत दूषित मानसिकता की पार्टी है समाजवादी पार्टी और योगी बाबा ने जो काम किया बुलडोजर वाला वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसमें यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई की जाए। बुलडोजर चलता है तो कहीं न कहीं कानून अगर सरकारी उस क्रम में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, समय लगता है, वो अलग चीज प्रक्रिया हो गई, लेकिन जो अवैध तरीके से जो इस तरीके का अपराध संगठित अपराध करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई से ही अंकुश लगाया जा सकता है और अन्यथा वो समझने वाले नहीं। बाबा जी का न्याय जो कर रहे हैं जो कानून के अंतर्गत है वो एक अच्छा कार्य है। इस तरीके की कार्रवाई की हम घोर प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से माननीय सांसद जी ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि मैं अयोध्या का विकास जो हो रहा है उसकी पोल खोलूंगा, ये भी तो अयोध्या का विकास है कि आप बलात्कार कर रहे हैं और बलात्कारियों को सपोर्ट कर रही है, विकास है कि विनाश है? अगर आप विनाश की धाराओं पर चलते हैं तो हम और हमारा समाज और हमारा व्यक्तित्व ये गवाही नहीं देता कि हम आगे आपको सत्ता में देखें। मोहित खान की अवधेश प्रसाद के साथ ये तस्वीरें सामने आई उसके बाद मानो पूरी समाजवादी पलटन को सांप सूंघ गया। अयोध्या नैरेटिव को बार बार उछालने वाले अखिलेश यादव अब अयोध्या अयोध्या नहीं करते। फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी साइलेंट मोड में चले गए हैं। कैमरे पर दावा कर रहे थे कि संसद सत्र खत्म होने पर पीड़िता के घर वालों से मुलाकात करेंगे, लेकिन इतने दिन बाद भी ऐसी घनघोर चुप्पी, बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है। इतने जघन्य मामले पर भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी बचाव में अब तक खड़ी है, अब तक मोहित खान का समाजवादी पार्टी ने निष्कासन नहीं किया, अखिलेश यादव खुद बचाव में आ गए और डीएनए टेस्ट और तमाम प्रकार के नार्को टेस्ट की मांग करने लगे, ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी आज अयोध्या के नाम से फिर परहेज कर रही है। वरना जिस अयोध्या के नरेश को बार बार लेकर के वो अपने माथे पर बिठा कर घुमा रहे थे, आज अयोध्या के नगर अध्यक्ष के मसले पर आज समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है, इसीलिए अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहती। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद विधायक बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलाने के लिए लामबंद हैं, लेकिन अयोध्या गैंगरेप केस के बाद सारे समीकरण बदल रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि मोहित खान को पार्टी से अब तक क्यों नहीं निकाला? क्या समाजवादी पार्टी अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित का बचाव कर रही है? सपा का तर्क है सब कुछ डीएनए रिपोर्ट पर डिपेंड है,
दोषी पाए जाने के बाद ही एक्शन होगा। अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अगर वो अपराधी निकलते हैं तो उनको सरकार से मांग की जाएगी फास्ट ट्रैक में लगाकर उनको फांसी दे दी जाए, अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो फिर जो मान सम्मान उनका घर द्वार सब गिराया जा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा। समाजवादी पार्टी ने कोई भी एक्शन उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लिया, मोहित खान के, जिसने एक नाबालिग छोटी सी लड़की के साथ गैंगरेप जैसा कुकृत्य किया, इसको मैं कहूंगा कि वो हैवानियत का काम था, और उसके बाद भी कोई उस पर ना किसी ने इसको इसकी निंदा की और ना ही कोई व्यक्ति पार्टी का उसके घर तक गया। मोहित खान के अलावा डीएनए सैंपल उसके नौकर राजू खान का भी लिया गया है, जिस पर नाबालिग के रेप की वीडियो बनाने का आरोप है। खुलासे के मुताबिक मोहित खान के कहने पर ही राजू खान इस घिनौनी वारदात में शामिल हुआ। ऐसे में जांच रिपोर्ट में राजू खान का डीएनए मैच होता है तब भी मोहित खान का बचना मुश्किल है। पीड़िता भी मोहित खान का नाम ले चुकी है, लिहाजा उस पर गैंग रेप का केस चलना तय है। लेकिन इन सब के बावजूद अखिलेश यादव की मोहित पर घनघोर चुप्पी बीजेपी को मौका दे रही है। बीजेपी के अंदर खाने पूरी तैयारी की गई है कि मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में इसे तूल दिया जाएगा, ताकि पब्लिक के मन में विश्वास बिठाया जाए कि सपाई आरोपियों के साथ हैं और योगी इंसाफ के साथ। जो लोग आपको झूठे आश्वासन दे करके जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से ठोकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हमें ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करना है। 4000 स्क्वायर फीट में बना मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसलिए जमींदोज किया गया क्योंकि उसका एक तिहाई हिस्सा तालाब की जमीन पर बनाया गया था। बगैर कोई नक्शा पास कराए 4 करोड़ की कीमत से कई दुकानें खड़ी कर दी गई। और कुछ इसी तरह के एक्शन की बारी है नवाब सिंह यादव पर। कन्नौज रेप केस में नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इंतजार हो रहा है डीएनए रिपोर्ट का, जिसके अगले 15 से 20 दिनों के भीतर सार्वजनिक होने की उम्मीद है। कन्नौज में रेप मामले के आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रशासन ने नवाब सिंह की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। क्या सरकारी जमीन पर नवाब सिंह ने कब्जा किया है? जो कॉलेज बनाई गई है उसकी जमीन कैसे परचेज की गई? क्या नक्शा पास कराया गया था? इस तरह के तमाम सवाल प्रशासन के सामने थे, जिसमें प्रशासन की यूनिट ने अब नवाब सिंह की संपत्तियों की जानकारी लेना शुरू कर दिया है। खगाला यह भी जा रहा है कि नवाब सिंह ने अपना पैसा अपने नाते रिश्तेदारों के कारोबार में लगाया था। नवाब सिंह यादव के करीबी पर योगी के एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। कोल्ड स्टोरेज की उस अवैध बाउंड्री वॉल को गिराया जा चुका है जो कि ग्राम समाज की जमीन पर था। स्थानीय प्रशासन इस चमकते हुए होटल की जानकारी जुटा रही है, जो कि नवाब सिंह यादव के भाई के नाम पर बताया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा है कि सड़क किनारे बना ये होटल तालाब की जमीन पर है। साल 2021 में तहसीलदार की अदालत ने इसे गिराने का आदेश दे दिया था, लेकिन सिविल कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। उसी फाइल को राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम रीओपन कर रही है और अगर संभव हुआ तो फिर इसे भी गिराया जा सकता है। वैसे खबर ये भी है कि इस होटल में नवाब सिंह यादव ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। नवाब सिंह के भाई पर खुलासा हुआ है कि उसने लाखों रुपयों का लालच देकर पीड़िता को बयान नहीं देने को कहा था, ताकि केस को डाइवर्ट किया जा सके, इसलिए नवाब सिंह के खिलाफ भी ना बोलने को कहा था। इस केस में सह आरोपी बनाई गई पीड़िता की बुआ ने नवाब सिंह यादव की करतूत और उसके भाई की पेशकश पर मुहर लगाई। ये वही बुआ है जो मामला सामने आते ही फरार हो गई थी, बाद में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सारे प्रपत्र पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए और प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय ने उनको अवरक्षा में लेकर के 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में, जुडिशियल न्यायिक अवरक्षा रिमांड में जिला जेल अनौगी भेज दी।
नवाब सिंह यादव की 50 करोड़ की संपत्ति की पहचान हो चुकी है। माना जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट में उसके सैंपल का मिलान हो गया तो फिर अवैध कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वैसे भी कन्नौज के मिनी सीएम के नाम से फेमस नवाब सिंह यादव को 300 करोड़ का नवाब बताया जाता है और इसके पीछे रहमो करम माना जाता है अखिलेश यादव का। अखिलेश की सरकार के दौरान ही कन्नौज के मिनी सीएम को कई ठेके मिले थे, जिसके दम पर बेशुमार दौलत बनाई और फिर उसी के दम पर नाबालिग की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। जब जब ये पावर में आए हैं, हमेशा बहु बेटियों की इज्जत आबरू को खतरे में डालने का काम इन्होंने किया है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की भरमार हुई है। प्लाट, मकान, दुकान पर कब्जे करने का काम समाजवादी पार्टी के संरक्षण में इनकी सरकारों के दौरान हुआ है। हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हम अपनी बहू बेटियों को 100% सुरक्षा देंगे। इन दोनों मामलों में हम कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके बड़ी से बड़ी सजा दिलाएंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी कांपेंगी। इतनी बड़ी सजा दिलाएंगे, नजीर बनेगी। अयोध्या और कन्नौज दोनों ही लोकेशन 24 के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। कन्नौज से अखिलेश जीते और अयोध्या में भी राम मंदिर की लहर के बावजूद बीजेपी को हरा दिया, मगर अब दोनों ही जगह को लेकर वो बैकफुट पर हैं। इसलिए खुद योगी बार बार मोहित खान और नवाब सिंह यादव का जिक्र कर रहे हैं, उनके डीएनए रिपोर्ट आने से पहले सवाल दाग रहे हैं। लखनऊ से मनीष यादव और अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।